हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय। दोस्तों ये मेरे पास में सैमसंग के लेटेस्ट गैलेक्सी S22 और S22 प्लस के डमीज, जिसके साथ यहाँ पे हम लोग इन्हीं दोनों फोन्स का फर्स्ट लुक ले पाएंगे। अर्ली फर्स्ट लुक है ये फोन, अभी तक लॉन्च भी नहीं हुए हैं, लेकिन हमें डिज़ाइन पता लग जाएगी कि किस तरह से ये फ़ोन दिखने वाले हैं। दोनों ही फोन्स दोस्तों इस साल के जनवरी में आने के लिए एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन डिले हो सकता है बिकॉज ऑफ ऑनगोइंग चिप शॉर्टेज। तो यहाँ पे S21 की ओर नज़र डालते हैं सबसे पहले, जहाँ पे डिज़ाइन ना ऑलमोस्ट पहले की तरह है, लेकिन इस बार थोड़ा सा और ज़्यादा कॉम्पैक्ट लगने लग गया है फ़ोन। एक चीज़ और मैंने इमिडिएटली नोटिस करी कि यहाँ पे थोड़ा सा बॉक्सी बना दिया गया है इसी फ़ोन को लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, और ओवरऑल बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट लग रहा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। दूसरी चीज़ दोस्तों, कैमरा का सेटअप यहाँ पे सिमिलर साइज दिया गया है, लेकिन यहाँ पे लास्ट ईयर जो मेटल रिंग यूज़ हुई थी ना, एज टू एज जो फैल रही थी, वो इस बार हटा दी गई है। तो इस बार यहाँ पे हमें एक सेपरेट कैमरा डिज़ाइन देखने के लिए मिल रहा है, जहाँ पे मेटल के बदले आई थिंक ग्लास यूज़ हो रखा है। यहाँ पे एकदम प्रीमियम सा लुक नहीं आ रहा है बिकॉज ये एक डमी मॉडल है, लेकिन ओरिजिनल वाले में ग्लास ही यूज़ होगा। आता है इस ऑनिक्स ब्लैक कलर में और काफ़ी प्रीमियम सी लुक दे देता है। पंच होल अगेन फ्रंट साइड में यूज़ करा गया है, नीचे की तरफ टाइप सी पोर्ट दे रखा है, माइक्रोफोन दे रखा है और ये स्पीकर दे रखे हैं जो कि ट्यून करेगा डेफिनेटली 1 kg। ऊपर की तरफ यहाँ पे सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन है और राइट साइड में यहाँ पे दोनों ही बटन्स दे रखे हैं जो कि है वॉल्यूम रॉकर्स और पावर बटन। दूसरे फ़ोन की तरफ आते हैं दोस्तों, यहाँ पे गैलेक्सी S21 प्लस, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है, अगेन एक बहुत ही बॉक्सी सी लुक दे देता है, एकदम फ्लैट नहीं है आईफोन 13 प्रो या 13 की तरह, लेकिन यहाँ पे बॉक्सी है और ऑलमोस्ट यहाँ पे फ्लैट दे रखा है विद अ वेरी स्लाइट कर्व। और इस वाले में हमें 6.7 इंचेस की बड़ी डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। अगेन यहाँ पे डायनामिक एमोलेड 2X डिस्प्ले यूज़ करेगा सैमसंग, वन ऑफ द बेस्ट होगी, इन क्लास होगी। यहाँ पे अगेन सेम कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाता है, पीछे से बिल्कुल सेम लगता है यहाँ पे, और पावर बटन और सारे ही पोर्ट्स बिल्कुल अपने छोटे भाई S22 की तरह ही होने वाले इस वाले में भी। यहाँ पे सैडली मेरे पास ना दोस्तों जो अल्ट्रा आने वाला है या फिर जो नोट कहेगा सैमसंग, उसके डमीज नहीं है, लेकिन यही थे S22 और S22 प्लस, जो कि आएंगे बहुत ही जल्दी विद द लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 और द Exynos 2200 ऑन सम मार्केट, जिसके साथ यहाँ पे सैमसंग यूज़ कर रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम AMD वाले GPU को। उसकी रिपोर्ट्स भी बहुत अच्छी निकल के आ रही है, देखते हैं, टेस्ट करते हैं कैसा होगा। ये थी दोस्तों शॉर्ट सी वीडियो, एक बस आपको डिज़ाइन दिखाने के लिए S22 और S22 Ultra की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई और आप आगे भी इसी टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। और मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो।